हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, दैट्स इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। आज हम ये देखेंगे अगर हमारे पास इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क आता है तो उसकी क्या ट्रिक्स और टिप्स हैं जिससे हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक लैडर के फॉर्म में कैपेसिटर्स लगाए गए हैं और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है अरेंजमेंट। अब जब ऐसे पैटर्न बच्चों आते हैं तो हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर सी टोटल कह दीजिए या फिर सी इक्विवेलेंट। अब ये कैसे निकालते हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों सभी। देखिए, इस इनफाइनाइट लैडर को समझाने के लिए मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, पहले आप उसे समझें तब जाके वो ट्रिक आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए बच्चों आपके सामने एक बहुत ही बड़ा समुद्र है। वैसे समुद्र बड़े ही होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इस समुद्र में से आप लोग एक गिलास पानी को निकाल कर ले आइए। जब बच्चों आप उस समुद्र में से एक गिलास पानी को निकाल कर लाओगे, क्या समुद्र के लेवल पर कुछ कमी आएगी? नहीं, क्योंकि समुद्र बेटा बहुत ही इनफाइनाइट अमाउंट में फैला हुआ है और उसमें से अगर एक ग्लास पानी आप निकाल भी लेते हैं तो समुद्र के लेवल में कोई कमी नहीं आने वाली, वाटर लेवल में, राइट? इसी प्रकार बच्चों, जब भी आपको ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम दी जाती है तो यहाँ पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में बच्चों एक पैटर्न ढूंढो। पैटर्न कैसे सर? देखिए, यहाँ पर 2 और 3 माइक्रोफेराड की कैपेसिटर्स हैं। अब बार बार ये 2 और 3 कैपेसिटर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, यानी मुझे एक पैटर्न मिल गया। सर, यहाँ पर ये जो लैडर बनी हुई है ये 2 और 3 कैपेसिटर के अरेंजमेंट से बनी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं एक पोर्शन को यहाँ से हटा दूँ, वैसे तो इनफाइनाइट लैडर है बच्चों, अगर मैं इसमें से एक पोर्शन को हटा दूँ तो इसके आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने से समुद्र के वाटर लेवल पर फर्क नहीं पड़ रहा, लाइकवाइज बच्चों अगर बच्चों हम इसमें से एक पैटर्न को हटा भी देते हैं तो इसका जो टोटल आंसर होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए एक पैटर्न को मैं हटाकर चल रहा हूँ, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ तक जो पूरा कैपेसिटेंस आया है टोटल, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा इस पूरे का सॉल्व करके, दैट इज एक्स। क्लियर है? अभी मुझे फिक्स्ड आंसर नहीं पता है कितना आएगा, बट मैंने अज्यूम कर लिया है एक पैटर्न को हटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर पे। तो इस पूरे का आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो सपोज कर लीजिए वो आएगा एक्स। अगर बच्चों इस कंप्लीट लेटर का आंसर x है तो हम देखिए इसे इक्विवेलेंट फिगर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बचा हुआ पैटर्न लाइक दिस, और बच्चों इस कंप्लीट को हटाकर एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है x, क्योंकि हमने इस पूरे को सॉल्व करके क्या माना हुआ है x। अब यहां पे आप वैसे ही लिख दीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, काफी सिंपल प्रॉब्लम लग रही होगी। सर, ये तो काफी आसान है। देखिए, आपके ये दोनों किसमें पैरेलल, पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरली सी डैश बराबर 3 + x डायरेक्ट ऐड करते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट बनेगा वापस से एक कैपेसिटर और इधर आ गया दूसरा 3 + x, यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोफेराड। अब बच्चों ये है सीरीज में, सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कैसे सर, क्योंकि बेटा चार्ज का फ्लो सेम है। सीरीज में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली सीरीज में हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल करके सम, 1/C" ((1/2) + (1/3+x)। अब आप एलसीएम ले लीजिए फटाफट से, 2 × 3+x, यहाँ पर हो जाएगा 3+x + 2, यू विल गेट 5+x/6+2x। अब आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है बच्चों, इसे रिवर्स कर दीजिए, 6+2x/5+x। अभी देखिए आंसर नहीं आया, क्यों? आंसर अभी वेरिएबल में एक्स फॉर्म दिख रही है यहाँ पर। अब इस वेरिएबल फॉर्म से कैसे कांस्टेंट आउटपुट जनरेट करवाया जाए वो आप सुनिएगा। देखिए, ये C" का मतलब क्या है बच्चों, C" का मतलब है ये हमारा एक तरीके से इक्विवेलेंट आंसर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये हमारा बच्चों। क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर, देखिए आप लोगों ने बच्चों एक तरीके से इसको एक्स मान के उसमें ये जोड़ के एक तरीके से ये टोटल ही निकाला है। अब ये अगर हमारा इक्विवेलेंट आया है आंसर ये, तो ये इक्विवेलेंट हमारे इस इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है? यानी हमने क्या करा है, इस पैटर्न को इंक्लूड करके इस पूरे के साथ सॉल्व किया है तो ये आया। तो हमने क्या बोला था, इसका आंसर इनफाइनाइट है ये भी, और ये भी इनफाइनाइट का निकाला है, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो अब मैं इस C total और C" की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके हमें एक फाइनल आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको ऑब्टेन करते हैं।
अब बच्चों यहां पर हम लिख रहे हैं सी टोटल को हम ले रहे हैं सी डैश के बराबर, सी डबल डैश, सी टोटल एक्स है, सी डबल डैश आपके पास है 6 + 2x / 5 + x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां पर x × 5 + x = 6 + 2x। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। अब देखिए काफी सिंपल हो गया बच्चों, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक का पैटर्न मैं बना लेता हूं यहां पर, यू विल गेट 3x - 6 = 0। फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कितने आएंगे बच्चों, फैक्टर हमारे पास आएंगे, इसके फैक्टर बच्चों हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यू विल गेट 24/2a, राइट, यू विल गेट -3 + -24 + 9 = 3 / 2। अब देखिए बच्चों यहां पर दो साइन है प्लस और माइनस, आप सभी को पता है, क्या पता है सर, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, राइट। अगर आप माइनस लोगे ना तो बेटा नेगेटिव में आंसर रहेगा आपका, तो आप क्या करिए प्लस वाली वैल्यू को ले लीजिए और इसे घुमा के लिख लीजिए √33 - 3/2। नेगेटिव जो आएगा उसको हटा रहा हूँ क्योंकि माइनस कॉमन आके वो नेगेटिव में रहेगी एक्स की वैल्यू, और सी कैपेसिटेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव। तो ये बच्चों हमारा आंसर, ये देखिए कैपेसिटेंस इतनी होगी √33 - 3/2, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, सी टोटल, तो ये सी टोटल आ गया आपका इतना। तो आई होप आपको ये ट्रिक बच्चों समझ में आई होगी कैसे हम लोग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।